बापू चरखे को सूत काटने का यंत्र नहीं बल्कि परिवर्तन के लिए एक शस्त्र के रूप में देखते थे। एटम बम को बापू राक्षसी शस्त्र मानते थे और चरखे को दैवी शस्त्र। 17 जून 1947 को प्रार्थना सभा के बाद चरखे के इसी स्वरूप को बताते हुए बापू, चरखा तो बहुत छोटी चीज है ना, लेकिन चरखा शास्त्र भी बनाकर रखा है। जब तक वो चरखा शास्त्र नहीं बना था तब तक हमको पता नहीं था कि चरखा में कितनी शक्ति है। आज तो मेरे जैसे आदमी तो कह देता है कि चरखा में शक्ति इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान को तो आजादी दिला सकता है और सारी दुनिया दे दे तो सारी दुनिया को आजादी दिला सकता है। क्या आजादी कि सारी दुनिया आज तो उसको थकान हो गया है कि अभी क्या करें हम, क्या एटम बम के मार्फत ही दुनिया को चलाएंगे? तो दुनिया चल तो नहीं सकती है। तो मेरे जैसे आदमी कहता है कि एटम बम तो आपके पास कहाँ है? मेरे पास है। कौन सा? तो मैं कहता हूँ चरखा। वो कैसे बन सकता है? उसका शास्त्र होना चाहिए। एटम बम बना दिया है उसके भी शास्त्र। तो शास्त्र तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सात्विक कहो धार्मिक कहो, दूसरा कहो कि राक्षसी कहो अधर्म कहो। एटम बम में कौन सा धर्म हो सकता है? एटम बम में कहाँ ईश्वर पड़ा है? एटम बम वो ईश्वर बन जाता है तो वो तो शैतान ईश्वर बन गया। इसलिए एक तो वो राक्षसी शास्त्र बनता है, दूसरा धार्मिक कहो